स्वच्छता और सुंदर शहर बनाने को लेकर गया नगर निगम पूरी तरह से गंभीर है। यही कारण है कि लगातार स्वच्छता और उसके उपकरण को बेहतर बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित निगम स्टोर का मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव सहित कई पार्षदों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी सफाई गाड़ियों का अघतन स्थिति की भी जानकारी ली। मेयर गणेश पासवान ने कहा कि खराब पड़े वाहनों को शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए मौके पर ही इससे संबंधित कई कंपनी के लोगों को बुलाया गया था। सभी वाहनों का उनके द्वारा आंकलन किया जा रहा है। उन्हें मेंटेनेंस के लिए कोटेशन और आंकलन करने के लिए कहा गया है। गया से सुरेश निखर की रिपोर्ट। आज स्टोर नगर निगम का ये स्टोर है, इसमें सैकड़ों गाड़ियां जो चल रही है वो भी है, कई सालों से पुराने हैं वो भी हैं, कुछ कंडम गाड़ियां भी इसमें हैं, कुछ अन्य सामग्री सामान भी है, कुछ स्टोर का सामान भी है। हम लोग एक एक चीज़ कर करके बहुत लंबा चौड़ा कॉरपोरेट ऑफिस होता है नगर निगम, जन्म से मृत्यु तक। आज हम लोग इसमें आए, संयुक्त रूप से इसका पदाधिकारी पार्षदगण सब मिल करके आज निरीक्षण किए हैं। कई गाड़ियां जो ख़राब है, जो बनने लायक है, कंपनियां एजेंसी वाले को बुला के विजिट कराया जा रहा है कि आप कोटेशन के आधार पर इसको बना के नया करके दे दीजिए। और जो सामान इसमें सफाई यंत्र बनने जो हैं उसको भी हम लोग रिलेटेड कंपनी को बुला करके इसका आकलन करवा रहे हैं। और इस तरह से अगर ये बन जाएगा तो इसमें से कई दर्जन गाड़ी बन के तैयार होकर के सफाई में आ जाएगा। और जो यहाँ रखने का गाड़ी का जगह कम पड़ रहा है, पीछे में बहुत सा एडिशनल ज़मीन है, बहुत सा ये सारा चीज़ है, उसको हम लोग दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर सुझाव रखे हैं कि इस तरह से आप करिए और तुरंत एस्टीमेट बना के त्वरित कोशिश करेंगे कि विभागीय स्तर से अर्जेंट काम है, यहाँ पर चोरी हो रहा है, सामान हो रहा है, इसका व्यवस्था बने। शेड लगा के गाड़ियों का धुलाई जब होगा और दोनों टाइम धुलाई होगी तो बेहतर ढंग से गाड़ी का जो लाइफ 2 साल है वो बढ़ के 3 साल 4 साल ऐसे करके हो जाएगा। यही हम लोग यहाँ पर विजिट करके आज यहाँ आए।